नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज। आप देख रहे हैं जीएन भारत। इस बार पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, उसके लिए कुछ लोग धरना पर बैठे हैं और उनके साथ पूर्व मंत्री लालचंद महतो भी अनशन पर बैठे हैं। आइए उनसे जानते हैं। राज्य में पिछड़ों का अधिकार छीनते हुए चुनाव की घोषणा नोटिफिकेशन कर दी है। पिछड़ों का आरक्षण उसमें समाप्त कर दिया गया है। उसी के विरोध में समी इमाम के नेतृत्व में पिछड़े युवाओं का एक दिवसीय धरना महामहिम राज्यपाल के यहाँ लोग बैठे हुए हैं। हम उसी का समर्थन करने के लिए, मेरा नाम लालचंद महतो, मैं पूर्व मंत्री रहा हूं, समर्थन के लिए आया हूं। राज्य सरकार को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि झारखंड में पिछड़ों की आबादी 56% से अधिक है। संविधान में पिछड़ों का आरक्षण तय है। न राज्य सरकार पिछड़ों का आबादी के अनुसार नौकरी में आरक्षण दे रही है और उल्टा राज्य सरकार पंचायत चुनाव में भी पिछड़ों का जो रिजर्वेशन था उसको समाप्त कर रही है। ये सरकार जो है पिछड़ों का आरक्षण समाप्त नहीं कर रही है, अपना सरकार को समाप्त करने की योजना बना रही है। इसलिए सरकार अगर चलाना है, राज्य में शासन प्रशासन अगर सही ढंग से चलाना है, तो पिछड़ों की आबादी 56% को देखते हुए आज संविधान में दिए गए जो प्रदत्त अधिकार हैं, उस अधिकार को हनन करने का काम, छीनने का काम राज्य सरकार ना करे, अन्यथा इस सरकार को डूबने से कोई रोक नहीं सकता है। ये सरकार जो है खाई में बैठी हुई है, किसी भी समय ये सरकार डूब सकती है, समाप्त हो सकती है, अन्यथा पिछड़ों का आरक्षण वापस करने का काम करो। बस यही कहना है लालचंद महतो का। राय के तमाम पिछड़ों से भी आग्रह है कि वे जो है पिछड़ा विरोधी सरकार के खिलाफ सड़कों में इसके खिलाफ आ जाएं, उतरें, अन्यथा ये सरकार मानने वाले नहीं है, ये सरकार डूबने वाली है। धन्यवाद। एक दिवसीय अनशन पर बैठे हैं, क्या कहना? आज भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है, जयंती है, उनका हम लोग मोर्चा की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में सरकार जो आरक्षण सुन कर दी है और इसका जो नोटिफिकेशन जारी कर दी है, तो ये पिछड़ों के साथ सरासर अन्याय और गलत है। आज हम लोग आरक्षण का मांग पिछले 12 वर्षों से करते आ रहे हैं। तो झारखंड अलग हुआ, उसके बाद यहाँ 27% जो पहले आरक्षण एकीकृत बिहार में मिलता था, आज यहाँ 14% आरक्षण कर दिया गया, जो कि झारखंड में आपको 7 से 13 जिला में 0 आरक्षण है और रांची में लगभग 2% लोग आरक्षण मिलता है। और अभी जो पंचायत चुनाव का घोषणा हुआ उसमें आरक्षण सुन कर दिया गया। हम लोग उसी के विरोध में यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। हम लोग का मांग है कि ये जो पंचायत का चुनाव है उसको ऐसो आरक्षण है सो पिछड़ों को देते हुए तब आप आरक्षण का चुनाव कराएं, पंचायत चुनाव कराएं। डॉक्टर दिलीप कुमार सोनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा। तो आपने सुना कि पूर्व मंत्री लालचंद महतो का क्या कहना है और उनके साथ जो कुछ लोग अनशन पर बैठे हैं उनका भी क्या कहना है। जीएन भारत के लिए रांची से वीडियो जर्नलिस्ट सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।